एपिसोड के स्टार्ट में हम डेविल्स के लीडर को देखते हैं, जो बुया की इस खतरनाक अटैक से भी बच गया होता है। तब वह एक्सट्रीम प्राइम शॉप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी खाई सारी ओरा वाली शोर आसमान से गिरती हुई उस डेविल लीडर के ऊपर आने लगती है। लेकिन वो भी अपनी फायर ओरा का इस्तेमाल करता है, इस वजह से वो सारी ओरा से बनी हुई शोर बुई पर ही रुक जाती है। तब बुया अपना एक पोर्वेसल सीधा उसकी पैर के ऊपर लगा देता है, इस वजह से उन डेविल्स के लीडर को उन शोर को रोकने में तकलीफ हो रही होती है। लेकिन फिर भी वो उस शोर को रोक लेता है, जिसके और वो बुया से कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? इतना आसान नहीं है मुझे मारना, मैं आज तक कोई भी बैटल नहीं हारा है, तो तुम मुझे कैसे हरा सकती हो? तब बुया उसे कहता है, जो कभी नहीं हुआ वो आज मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन तब उन डेविल्स का लीडर अपने थर्टल की मदद से चारों तरफ फायर स्प्रे लगता है, जिसमें इतना पावर थी वो बुया की परमिशन को ही थोड़ देती है। देखकर डेविल्स का लीडर खुश हो जाता है। तब बुया अपनी आखिरी हथियार का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो फॉरगेटफुलनेस शोर को सामन करने की कोशिश करता है, और यह सबसे खतरनाक शोर है। अगर इस शोर से डेविल्स का लीडर बच गया तो वो किसी भी चीज से बच सकता है, और शहराना बुया की भी बस की बात नहीं होगी। अब इसके इस शोर को सामन करते हुए देखकर उस डेविल्स के लीडर के साथ ही एकदम ही ज्यादा घबरा जाती है कि यह शोर टेक्निक सबसे सुप्रीम शोर टेक्निक खेली जाती है, और इसे बचना किसी की भी बस की बात नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि हमारे लीडर इससे बच पाएगा। साथ ही इस शोर को सामन करने के लिए कई सालों की ट्रेनिंग लगती है, और जब इसे सामन कर पाता वो एक लेजेंड खिलाती है। तब बुया अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस फॉरगेटफुलनेस शोर को सामन कर रहा होता है, लेकिन उसे रोकने के लिए उन डेविल्स का लीडर अपने थर्टल को ड्रैगन में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन तब तक बुया ने उस शोर को सामन कर लिया था। वो अपनी शोर को सीधा उन डेविल्स के लीडर की तरह बेचने लगता है। तब उस शोर को रोकने के लिए उसका ट्रांसफॉर्म हुआ ड्रैगन आ जाता है, जो अपने मुंह से उस शोर को रोक लेती है। लेकिन वो शोर भी कोई मामूली शोर नहीं थी, उस ड्रैगन को सीधा खाते हुए उन डेविल्स के लीडर के पास ही आ जाती है, जो खतरनाक अटैक उसे लग जाता है, और अटैक इतना जोरदार था कि अब डेविल्स के लीडर में दोबारा अटैक करने की हिम्मत ही नहीं बचती, इसलिए वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। तब उसकी छाती उसे संभालती है, लेकिन डेविल्स का लीडर जाते जाते बुया को धमकाते हुए जाता है। देख लेना तुम, इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लेकर रहूंगा, मैं वापस आता हूँ कुछ दिनों में। जिसके बाद उसकी छाती उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम म्यूजियम को देखते हैं, जो इस एम्पायर शोर की अंदर ही होता है, जहाँ एम्पायर की उसे आवाज सुनाई दे रही होती है, जो उससे कहती है, तुम्हारे थारा भी मैं अपने टाइम में हारा था, लेकिन हारने का यह मतलब नहीं तुम अपनी हिम्मत खो दो। तुम्हारे पास जो टेक्निक है उसे तुम्हें और निखरना होगा। मैंने तो तुम्हें टेक्निक सिखा दी, लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उन सारी टेक्निक को संभाल सके, और इन टेक्निक को संभालने के लिए तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तुम इन टेक्निक में मास्टर कर सकते है, और तुम किसी से भी आसानी से लड़ पाओगे। वरना एक टेक्निक तुम्हारी किसी काम की नहीं रहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसी इस करके दिखाओगी। तब बुया इंपीरियल शोर के अंदर से म्यूजियम को बाहर निकल देता है, जहाँ वो अभी बेहोश था। तब बुया सभी से कहता है, जब इंपीरियल शोर ने म्यूजियम को खतरे में देखा था, उसने उसे अपने अंदर ही संभाल लिया, ताकि म्यूजियम को कोई ज्यादा चोट न आ जाए। अब सारे एल्डर्स मास्टर म्यूजियम का शुक्रिया करते है इस चेत को डेविल से बचाने के लिए। तब बुया उन सभी से कहता है, ये सब तो ग्रैंड पागी बाजी हुआ है, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर मुझे यहाँ पर बुला लिया था। तब मार म्यूजियम को वहाँ पर व्यूज में देखकर बुरी ज्यादा घबराई हुई होती है। मैं आप ग्रैंड पा को खोने की बात तुम्हें भी नहीं खो सकती, लेकिन बुया उसे कहता है, तुम्हें म्यूजियम के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ से अभी थोड़ा सा थका हुआ है और कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा। जब इंपीरियल शोर ने उसे सुन लिया ही तो इसे इतनी आसानी से खुश भी नहीं हो सकता। बस म्यूजियम को उनको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर वो थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा की पूरे क्षेत्र को आराम से संभाल सकता है, साथ ही वो इमोर्टिलिटी को भी हासिल कर सकता है, वो भी बुद्धिक हूँ इसमें। जिसके बाद बुया मार्च से कहता है, तुम्हारे पास अर्थ लेवल का स्पिरिट बार है, और इतनी कम उम्र में इतना हार्ड स्पिरिट बार रखना किसी आम लड़की की बात नहीं, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर कौन हो गए। ये सुनने के बाद मार खुश हो जाती है और उनसे कहते है कि आप मेरे फादर को जानते थे। तब बुया कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता था, हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 20 साल पहले उनकी पार एक बैटल हुआ था। लेकिन खैर खुश भी हो, वो बात बीत गई, मैं सारी चीजों को दोबारा के तुम्हें उदास नहीं करना चाहता। जिसके बाद भैया सारे इंडस्ट्रियल मर्चेंट से कहता है, मैं इन दोनों को अपने खूनन माउंटेन में ले जाना चाहता हूँ, ताकि इन्हें प्रैक्टिस करवा सकूँ, जिस वजह से ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, और आगे से इन दोनों की सारी जिम्मेदारी उठाना मेरे ऊपर है, और इन दोनों की आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शायद वो उन एल्डर से कहता है, ग्रैंडपा को मारे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए उनकी सोल आस पास ही होगी, हमें सोल अट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इसकी
मौत जे हो सकते हैं ग्रैंडफा की सोल को वापस ला सके। इस बार थारी मास्टर कहते हैं कि ठीक है, हम खाली सुबह सोल अट्रैक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे आगे ग्रैंडफा की सोल को वापस ला सके। दूसरी तरफ हम उन डेविल्स के लीडर को देखते हैं जो जंगल में आ गया होता है और वो भी बहुत ही ज्यादा गुच्छ में था कि आखिर उसे कैसे हरा दिया। इसका बदला तो मैं उसे जरूर लिख रहूंगा। और उसकी इतना कहते ही एपिसोड भी एक बार एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को मिस किया है तो लैब की वीडियो पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।